बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवा। रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर का। बल्लभगढ़ में किसान खाद के लिए दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद सीएम को बुआई के लिए, जहां किसानों को बुआई के लिए अब डीएपी खाद की जरूरत होती है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए बुआई के समय भी किसानों को कई कई महीनों तक सरकारी खाद की दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। वहीं उसके बावजूद अभी भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया कि पिछले दो महीने से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। खाद मिलना तो दूर, सिर्फ आश्वासन ही मिल पाता है। उसके बाद अगर किसी किसान का खाद मिलने का नंबर भी आ जाए तो उसके साथ नैनो यूरिया और दे रहे हैं, जिससे किसानों पर नैनो यूरिया का खर्चा और बढ़ रहा है और जिसका उपयोग कुछ खास नहीं है, जिसको लेकर तमाम किसान सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां खाद को लेकर किसानों को अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। फसलों की कटाई के बाद किसानों को बुआई के लिए डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। जो करेगी कम से कम 10 साल जाओ जी। आज 5-7 दिन है, बाम में भी चोट करके एक्सीडेंट है, खाद नहीं मिल रहा जी, बड़ी परेशानी आ रही है खाद पे। और एक नैनो न सीसी ने दे रहे हैं 250 रुपया के, खाद की तो पूर्ति नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, ये हेराफेरी कर रहे हैं। के लिए आया हूँ और खाद नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। 25 कट्टा चाहिए मुझे, 25 कट्टा अभी तक नहीं मिले मुझे, और लाइन में भी लग के कल चले गए और अब फिर लाइन में आया हूँ, अब भी नहीं है मिल रहा मुझे। तो आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां फसलों की कटाई के बाद किसानों को बुआई के लिए डीएपी खाद की जरूरत होती है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए बुआई के समय भी किसानों को कई कई महीनों तक सरकारी खाद की दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। उसके बावजूद अभी भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया कि पिछले दो महीने से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। खाद मिलना तो दूर, सिर्फ आश्वासन ही मिल पाता है। तो उसके बाद अगर किसी किसान का खाद मिलने का नंबर भी आ जाए तो उसके साथ नैनो यूरिया और दे रहे हैं, जिससे किसानों पर नैनो यूरिया का खर्चा और बढ़ रहा है और जिसका उपयोग कुछ खासा नहीं है। तो यहां आपको बता दें कि अब इन तमाम समस्याओं को लेकर किसान सरकार को भी कोसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए स्वामी इंद्र जी, जो कि किसान नेता है। इसके अलावा हमारे साथ विदुर रावल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही हमारे सहयोगी फतेहाबाद से रमेश ठाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले संजय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार किसान जो है वो अब उनको खाद की किल्लत झेलनी पड़ी और ऐसे में लगातार अब वो जो है इसके लिए मांग भी करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बुआई के लिए डीएपी खाद की जरूरत है। क्या कुछ है किसानों का कहना? बिल्कुल, देखिए जागृति, जो हरियाणा है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर लगातार जो बुआई है, जो कटाई होती है, कटाई के बाद में डीएपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस समय कटाई का समय खत्म हुआ था उसके बाद में डीएपी नहीं मिला। इसके बाद अगर हम बात करें, भूड़ भरी जा रही है, तो भूड़ जब फसलों में भरी जाती है उसके बाद में फिर यूरिया की जरूरत पड़ती है, तो यूरिया समय पर नहीं मिल रहा। उसके यूरिया के साथ में जिस तरीके से आपने अभी बताया कि यूरिया के साथ में नैनो यूरिया भी दिया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए बहुत घातक है, वो लिक्विड होता है और बच्चों के लिए बड़ा घातक होता है। देखिए, बल्लभगढ़ के पास में अगर हम बात करें पिछला विधानसभा की, वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। पलवल जिले की बात करें, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। हालांकि पूरे हरियाणा में पूरे यही स्थिति है कि जो किसान है वो डीएपी और यूरिया के लिए लगातार धक्के खा रहा है, लेकिन हम अगर हम बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर इतनी भारी भरकम समस्या बनी हुई है कि जब किसान डीएपी या खाद लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं
तो वो उनको गुमराह करते हैं कि पीछे से खाद नहीं आ रहा। हालांकि पीछे से जब बड़े अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका दावा है कि पूरा स्टॉक लगभग जितना किसानों को खाद चाहिए था उससे ज्यादा स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। देखिए जागृति, ये जो समस्या बनी हुई है, जो पलवल जिला है, फरीदाबाद जिला है, या हम बात करें हतीन के आसपास के एरिया की, ये उत्तर प्रदेश से टच सीमा है। यहाँ पर लगातार दुकानदार खाद की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं जिसके चलते किसानों को खाद नहीं मिल पाता है। अधिकारी अब छापामारी कर रहे हैं। अब छापामारी करने से क्या फायदा होगा? जो कालाबाजारी वो लोग पहले कर चुके हैं, डीएपी की कालाबाजारी कर चुके हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जिससे कि किसानों को समय पर खाद मिल सके? तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो केवल खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, अन्नदाता धक्के खा रहा है। जी जागृति जी बिल्कुल। और रमेश भी हमारे साथ मौजूद है फतेहाबाद से। रमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे फतेहाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी है, क्या किसानों को वहां पर खाद जो है वो समय से मिल पा रही है? जागृति, बताना चाहूंगा मैं अगर फतेहाबाद की बात करूं तो यहां भी यही हालात हैं। अभी मेरी जो है भट्टूकला क्षेत्र के किसान शमशेर घासल से बात हुई थी, बनावाली से कुलदीप राव से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि दर्दर की ठोकर आज वो लोग खा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये जो समय चल रहा है ये पहला पानी दिया जाता है कहीं ना कहीं, गेहूं बिजाई को काफी दिन हो चुके हैं और पहला पानी अब गेहूं को देना है। उसके अंदर अगर यूरिया खाद अगर समय पर नहीं मिल पाएगी, अगर उस गेहूं के अंदर पहले पानी के साथ यूरिया नहीं डाली गई, पैदावार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गेहूं नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये एक ये शुरुआत है गेहूं की, सरसों की बिजाई हो चुकी है, चलो सरसों भी मानते हैं कम जरूरत पड़ती है, अभी चल जाएगा काम, लेकिन यूरिया खाद का मिलना ये सरकार पहले से भी तय कर सकती है। बिजाई का समय होते ही किसानों को जरूरत पड़ेगी। आज जो है एक कंडीशन रखी गई है, जैसे मेरे सहयोगी संजय गुप्ता ने जो फरीदाबाद से बात कही थी, एक नैनो केमिकल जो साथ दिया जाता है, थोपा जा रहा है किसानों पर। फतेहाबाद की बात करूं तो काफी दिन पहले भी हमारे यहाँ हिजरामा के यालकी के किसान इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने विरोध किया था कि हमें ये नैनो साथ ना दी जाए। ये तो कहीं ना कहीं ये क्या समस्या है, बड़ी समस्या है। सरकार इसको हल कब कर पाएगी पता नहीं, लेकिन अन्नदाता की भरपाई नहीं हो पाएगी अगर उसको समय पर खाद उनको नहीं मिली तो। जागृति, बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है ये फतेहाबाद जिले में यूरिया को लेकर। स्वामी इंद्र जी, आपसे भी जाना चाहेंगे कहां पर जो है अहम समस्या आपको नजर आ रही है, किस तरह से जो है वहां पर किसानों का भी कहना है जैसा कि जो खाद है वो समय से नहीं मिल पा रही, और ऐसे में आप कहां पर जो है बड़ी कमी मानते हैं? देखिए जागृति जी, जो खेती के जागरूक लोग हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें पहली बात ही पता है कि समय कौन सी खाद चाहिए और किस समय कौन सी खाद चाहिए, कौन दौलत चाहिए। आज इस प्रदेश के अंदर 8 वर्ष की अनुभवहीन सरकार किसानों को फेस करना पड़ रहा है, आम जनता को फेस करना पड़ रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जब अन्नदाता देश के हित में कार्य करता हुआ आपको नजर आ रहा है, देश के लिए अनाज उगाता हुआ नजर आ रहा है, उस समय उसको जो आपको सहूलत देनी थी उसको सहूलत ना देकर आपको दर-दर की ठोकरें दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिस प्रदेश के अंदर आज किसान को खाद चाहिए, कोई उर्वरक चाहिए, उसको थाने में जाकर अपनी बहन बेटियों को ले जाकर वहां से खाद लेनी पड़ेगी, जैसा कि हमने पूर्व में दृश्य में देखे। तो ये हरियाणा प्रदेश की सरकार के फेलियर है। किसान बहुत ईमानदार से काम करता नजर आ रहा है। जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, फरीदाबाद के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर अगेती और पेजेती दोनों ही प्रकार की फसल लगाई जाती है, खासकर के सरसों की फसल जो है अंतिम फसल का, और जो किसानों ने टिकट लगा ली थी अक्टूबर के महीने में वहां पे सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है। तो आज जो किसान खेती करता है तो मालूम है कि जड़ों को मजबूत करने की यूरिया खाद थी, क्योंकि नाइट्रोजन की ताकत है जड़ों को, अगर होगी तो पौधा जो कमजोर होता है। तो मैं समझता हूँ सरकार जो किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है, उसकी जो मेहनत है उसकी लागत को खोस है वो बढ़ती जा रही है। और आपने अभी देखा कि जिस प्रकार का जो उर्वरक किसान में कमाया जा रहा है, ये किसान के लिए घातक है, खेती के लिए घातक है। आप तोड़ पे किसान को जहां तोड़ेगा वही घर अगर किसान को लेके जाए, बच्चे के हाथ में लग गया तो किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। सरकार को ऐसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व में हमने हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री का और पी दलाल जी का पता कि ऐसे कोई कृषि हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। अब तो बायोमेट्रिक का जमाना है, आप किसान को डिजिटल जोड़ चुके हैं, तो क्या सरकार के साथ ऐसा कोई अब तक आया कि किसको किसने खाद वो कितना है और कितना किसानों को जबरदस्ती
चपेट रहा है। ये तमाम ऐसी बातें जागृति को सरकार को समझना होगा, जानना होगा। अन्यथा किसान का आंदोलन के साथ कुछ दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अरुणा प्रदेश के अंदर आज किसान के साथ सरकार जो है दुर्व्यवहार बल्कि जो है पूर्वाघात जो है बिल्कुल स्वामेंद्र जी, माफी चाहूंगी यहाँ पर आपको रुकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहाँ पर सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। 1,20,000 रुपया वार्षिक आय ये रखी गई थी, जिनको उस समय की बीपीएल सूची कहते थे। एससीसीसी सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस इस नाते से और वो सूची बनी थी। लगभग 15.5 लाख लाभार्थियों का हमको उसमें एक लाभ होने की जो योजना बनी थी, जिसमें से हम मात्र 9.5 लाख परिवारों को ही चिन्हित कर पाए, 40 लाख ही कार्ड उसमें बन पाए थे। लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा है, हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपये वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया है। अभी तक लगभग 5 लाख परिवार जिनके कार्ड की योजना ये आज बांटने की बनाई गई है, उसमें हो सकता है कुछ कार्ड घर घर जाकर के भी बांटने होंगे, लेकिन ऐसे 2,000 स्थानों पर 100 से लेकर 500 तक कार्ड बांटने की योजना आज ये बनी है। इन सब लाभार्थियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत ही शुभकामना देता हूं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के नाते से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा है और हमें इसमें बहुत प्रकार के और जिसको कहना चाहिए हमारा स्वास्थ्य विभाग हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें बहुत से पुरस्कार ये हमको मिले हैं। आयुष्मान योजना जो शुरू की गई थी उसमें भी हमको ध्यान है कि हरियाणा में सबसे जो पहला लाभार्थी है वो हरियाणा से ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक माता को उसका जो लाभ है वो मिला था। और आयुष्मान योजना को आधार से जोड़ने वाला भी हमारा हरियाणा जो हमारा ये पहला ये प्रांत है। तो इसलिए आज की इस योजना को जब लागू कर रहे हैं तो जैसे पिछले लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2,000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25,000 लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70,000 होने का आंकलन है। और अभी तक जो हमारा खर्च भी इसमें प्रतिपूर्ति जो हम करते हैं लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया ही अभी किया जा रहा था, लेकिन आगे चल करके प्रदेश सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का और अपना वार्षिक बजट इसके अंदर लगाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी योजना ये जो चिरायु योजना के माध्यम से आपको दी जा रही है, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। मित्रों, इस माह के अंत तक मैं समझता हूं हो सकता है एक कार्यक्रम हम बीच में और भी सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां कार्डों की बनने की जो गति है वो बढ़ जाएगी तो घरों में बांटने का काम भी हम करेंगे। इस माह के अंदर अंत तक 31 दिसंबर तक सभी 1,25,00,000 जो इसके लाभार्थी होंगे सबके जो कार्ड है ये बट जाएंगे। इनके जो शिविर हैं वो जगह जगह हम लगा रहे हैं। इस बार 2,000 स्थानों पर ये कार्ड वितरण का काम हो रहा है। अगली किसी योजना में सभी 6,200 गांव में और सभी शहरों के वार्डों में सब जगह ये कार्ड वितरण के कार्यक्रम ये जो किए जाएंगे। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और आईटी से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जाकर के उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी सरकारी अस्पताल 176 हैं
और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं, ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में इलाज होने वाला है। हम इस संख्या को और भी बढ़ा रहे हैं, जैसे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां अभी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, अगले साल में सभी अस्पतालों में आईसीयू की व्यवस्था करेंगे, वहां स्पेशलिस्ट भी लगाएंगे और जो भी हमारे 1500 प्रकार की जो ऐसी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में ये मिलना शुरू हो जाए, ये हमारा एक प्रकार का ये लक्ष्य हमने रखा है। इसके लिए हमारी जो चिकित्सा की जितने भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है अथवा चिकित्सा में लगने वाली जो हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जितना यानी लोग चाहिए हमको, डॉक्टर्स हैं अथवा पैरामेडिक्स हैं या नर्सेज हैं, उसकी संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमने ये घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है और अब सब जिलों में या तो कॉलेजेस वर्तमान में हैं अथवा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी आगे की भी घोषणा हमने कर दी है, तो कोई जिला आने वाले 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा। और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 एमबीबीएस के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है, एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है, उस हिसाब से हमको 28000 डॉक्टर चाहिए, अभी तक हमारे पास मात्र 13000 डॉक्टर्स हैं। तो ये 28000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वह अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। तो इस नाते से हम इस काम पर आगे बढ़ रहे हैं। एक और विषय भी ध्यान कराने लायक आपको है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद अपने चिकित्सा के लिए, अपने इलाज के लिए वो इन योजनाओं का लाभ उठाता है, वो चाहे आयुष्मान भारत है अथवा चिरायु हरियाणा है। लेकिन हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे। तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो, तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। वर्तमान में 32 ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रतिदिन और ये सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये किया जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड इनके बन गए हैं। अगले आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग 2000 हो जाएगी और 2000 सर्वेक्षण केंद्रों पर हरेक नागरिक का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। इसको भी एक डाटा उसका ये रखा जाएगा ताकि अगर कहीं इलाज के लिए अथवा कहीं अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़े तो ये सारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध हो जाए। जितने भी 1,80,000 तक के परिवार यानी आय के परिवार हैं, ऐसे सब परिवारों का 1.25 करोड़ जनता का ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष के अंदर पूरा होगा और ये बार बार होता रहेगा ताकि किसी भी व्यक्ति का हर वर्ष के बाद जो भी उसकी बदलाव होते हैं शारीरिक स्थिति में, वो बदलाव भी उसके कारण से जानकारी मिल जाए और ये व्यक्ति बीमार न हो उसकी पूर्व चिकित्सा या चिकित्सा से पूर्व उसको जो सावधानियां बरतनी है ये भी हमारे डॉक्टर बंधु ये सब उनको बता सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान निरोगी हरियाणा का भी हम ये लेने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, ये उसके पीछे का एक भाव है। ऐसे ही हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वेलनेस सेंटर्स की भी योजना बनाई है। वेलनेस सेंटर्स में गांव-गांव में 2 एकड़ के एक एरिया में वहां पारकम व्यायामशाला, योग आदि का एक व्यवस्था और आयुर्वेद का एक छोटा अस्पताल, उसके माध्यम से लोगों का खान पान की व्यवस्था ठीक हो, लोगों को योग की एक अभ्यास कराया जाए और उनके शारीरिक व्यायाम की स्थिति भी उसकी अगर कराते हैं तो लोगों को निरोगी रहने के लिए एक अवसर मिलेगा। इसलिए ये वेलनेस सेंटर्स भी लगभग 1000 गांव में ये बनाने की हमारी योजना चल रही है
600 स्थानों पर इस प्रकार की एक पार्कम व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। इस गति को भी आगे बढ़ा करके वहां हमने योग शिक्षक, योग सहायक ऐसी नियुक्ति कर दी है। ये भी बहुत बड़ा काम है जिससे हमारा जो शारीरिक स्थिति है, हमारे खान पान के कारण से, हमारे व्यायाम के कारण से, योग के कारण से हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यक्ति निरोगी रहे, इसकी भी योजना हमने बनाई है। मित्रों, अपने यहां हम जो प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल निरोगी अथवा चिरायु योजना, बल्कि गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता ये हम कर रहे हैं। आखिर तो किसी भी समाज की कल्पना, सुखी समाज की कल्पना तभी की जा सकती है कि जो पंक्ति में पिछड़ गया है, सबसे पीछे है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश सरकार में भी हम बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं जिसमें से हम आगे बढ़े। परिवार पहचान पत्र का डाटा लगभग 95-96% हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करते हुए अथवा डाटा बनाते हुए कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां ये रह जाती हैं, इनको ठीक करने का एक अभियान भी हम चला रहे हैं। अभी 2 दिन का ऐसे जो जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं, 10 और 11 तारीख आज और कल 2 दिन रहेंगे, इसी प्रकार 3 दिन अन्य 16, 17 और 18 दिसंबर ये सब कैंप लगाए जाएंगे, जिसके अंदर इन कारणों में जो भी परिवार पहचान पत्र डाटा में त्रुटि है उसको ठीक कराया जा सकता है। जिनके अभी परिवार पहचान पत्र कार्ड नहीं बने हैं उनके नए कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। जिनके अभी पेंशन की भी शिकायत आ रही है, उन पेंशन की शिकायतों में जो भी कोई त्रुटियां हैं या जो लाभार्थी की जो लाभ लेने की जो उसकी योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए और इस पेंशन के काम को भी तेजी से ठीक किया जा रहा है, कहीं कोई त्रुटि उसको ठीक किया जा रहा है। अगले 1 जनवरी से सभी ऐसे गरीब परिवार 1,80,000 रुपए तक की आय के, इनके जो राशन कार्ड है, पीले राशन कार्ड विशेष तौर पर, ये अपने आप ही उनको राशन के हकदार हो जाएंगे 1 जनवरी से, और ये कार्ड भी इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार जो चीजें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं परिवार पहचान पत्र के अंदर, परिवार की गरीबी को कैसे समाप्त करना, हर परिवार में से एक व्यक्ति रोजगार उसको मिले, मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने लगभग 500 कैंप लगाए हैं। अभी तक 2.5 लाख परिवारों का उसके अंदर एक प्रकार से उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनका इंटरव्यू हो चुका है, जिसमें लोग अपना लाभ उठा रहे हैं, बैंकों से उनको लोन दिए जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में भी जहां कहीं उनको सहायता की जा सकती है वो की जा रही है, अथवा स्किलिंग के माध्यम से उनका अपना रोजगार वो कैसे कर सकें, इस योजना पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे जो युवक हैं जहां कहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद और अपना पासपोर्ट लेकर स्किलिंग के माध्यम से यदि विदेश जाने की भी उनकी इच्छा होती है, ऐसे लोगों के लिए भी एक व्यवस्था हमने की है, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल इन्हें बनाया है, ताकि विदेश से भी अगर कोई मांग आती है, अपने भारतवर्ष से बहुत से ऐसे लोग बाहर जाकर के तरह तरह के स्किल्ड इस फोर्स के नाते से वो काम करते हैं। इसमें हमने भी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से योजना बनाकर 1 लाख लोगों को विदेश में जाने की सुविधा उनको मिले, ऐसी योजना बनाई है। जो लोग अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं, करते हुए वो अप्लाई यदि करेंगे तो उनको भी पासपोर्ट देने की व्यवस्था होगी। ऐसा है, पासपोर्ट का एक पोर्टल जल्दी बन रहा है, उस पोर्टल पर अपने डिग्री समाप्ति से पहले 6 महीने पहले यदि वो अप्लाई करेंगे तो उनको अपने मार्कशीट के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा, और स्किलिंग के साथ वो बाहर जाने की इच्छा करते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर भी भेजा जाएगा। अन्य प्रकार की जो भी सहायता है वो उनको दी जाएगी। ये जो हमारा चिरायु जो कार्ड बन रहा है चिरायु योजना के अंतर्गत, इसमें 2 उल्लेखनीय बातें और हैं जो मुझे आपको बतानी है। एक, इसमें जो 1500 बीमारियों की सूची ये बनी है, जो मैंने पहले भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में भी इसका व्यवस्था कर रहे हैं, सबका जो इलाज हो वहां हो सके। और दूसरा, इसमें दिव्यांग बंधु जो इससे पहले शायद योजना में कवर नहीं है, लेकिन अब दिव्यांग बंधुओं का इलाज वो भी इसके अंतर्गत हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों को भी लाभ मिले। अंत में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी खुद लें, स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम ये आपका अपना है, जो सावधानियां यदि बरतेंगे
तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अपना खानपान ठीक हो, हम इन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकें, हम अपने स्वच्छता अभियान में भी बढ़ चढ़ करके आगे काम लें, क्योंकि गंदगी से भी बीमारियां बहुत फैलती हैं और जो बीमारियां जहां रोकी जा सकती है वहां रुकना चाहिए। अपने शरीर में बीमारी ना आने दें, इसके लिए व्यायाम करें, योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें। ये यदि जागरूकता समाज में आती है तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा होगा। निश्चित रूप से हमने अपने जैसे शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कस्य दुख भाग भवेत। इस प्रकार की भावना से कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब निरोगी रहें, ऐसा एक परिवार हमारा जो बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे देश के लोगों को एक परिवार के रूप में उसको आगे बढ़ाएं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और निश्चित रूप से जो कार्ड बांटने का काम आज जगह जगह हमारे वहां के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने बनाया होगा, उसमें एक कार्ड बांटने की व्यवस्था को लागू करें और पुनः जो लाभार्थी हैं जिनको आज कार्ड दिया जा रहा है, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना इस बात के साथ, ये निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, बीमार हो भी ना, इस कार्ड की हमको आवश्यकता न पड़े। लेकिन यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी ना पड़े, 5 लाख रुपया परिवार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से हमको होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो तस्वीर आपने देखी चंडीगढ़ की, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने चिरायु योजना का शुभारंभ किया। करीब 10 लाख लोगों को इस योजना के तहत कार्ड वितरित किए जाएंगे। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।